अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। टाठियो बच्चो तो बचियो, आज यम सबकुक में इंतखाब तुंद खातिर कोरमुत छु, ये छु ऐठमी जमात हिज उर्दू किताब हुंद अख सबक, यमुक उनवान छु सीता जी के आहुजारी, ये छु मीकात आउलुक गोडनुक सबक। तो रात पुर अस ये नज़म तो युजन सुरूर जहां आबादियन लिखमुत छु, तो आज अस यमिक मश्की सवालात करें। तो गोडनुक सवाल युजन छु, ये छु क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं थी, तो अब मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक बुक का इस्तेमाल किया है इधर। तो गोडनिक सवाल यूजन छु, सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थी? तो इमुक जवाब लिखो तुम, सीता जी रामचंद्र जी के साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो इसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। तो अब इसका सवाल नंबर दो है, सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक किस किस तरह जाहिर किया? तो इसके जवाब में आप लिखें, सीता जी ने रामचंद्र जी के साथ अपना ताल्लुक यूं कहकर जाहिर किया कि वो उसके चरणों की रेखा, उसका दिल शीशे की तरह नाजुक, शीशे की तरह है इधर तरह, शीशे की तरह नाजुक और वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती थी। अब सवाल नंबर तीन है, सवाल नंबर तीन जो है, सीता जी ने वनवास की तकलीफों को किस तरह राहत करार दिया? तो इसके जवाब में आप लिखें, सीता जी ने वनवास की तकलीफों को यूं राहत करार दिया कि वो दरख्तों की छालों को लिबास, घास फूस के झोंपड़े को मकान और सब्जा को बिस्तर के तौर इस्तेमाल करेगी और अपने शौहर की सूरत देख कर सारे गम भूल जाएगी। तो अब सवाल नंबर चार है, तो वो क्या है, रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो इन पर क्या बीतेगी? तो इसके जवाब में आप लिखें, रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो वो वन से वापस आके उसको जिंदा नहीं पाएंगे। तो अब सवाल नंबर पांच है, इधर एक मिसरा दिया गया है नज़म का, वो क्या है, सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, इस मिसरा का मतलब लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि जो भी नज़म गाई जाती है वो शायर गाता है, तो शायर इस नज़म में, इस मिसरा में फरमाता है कि सीता जी के लिए रेगिस्तान या जंगल भी, सहरा हुआ रेगिस्तान या जंगल, जंगल भी बाग की तरह होंगे जब उसका शौहर उसके साथ हो। तो अब क्या है, सवाल नंबर तीन जो है इसका, या और एक सवाल है, तो पहला हुआ अल्फाज माने का सवाल, दूसरा हुआ ये मश्की सवाल का सवाल, तीसरा सवाल जो है इसका वो है गौर कीजिए, वो है कि गौर करना है। तो पहला क्या है, अल्फाज जो है ये तशबीह के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, हाँ गौर कीजिए, नाजुक है मेरा शीशे ये दिल, इसका पहला पार्ट है, नाजुक है मेरा शीशे ये दिल टूट जाएगा का मतलब है मेरा दिल शीशे की तरह नाजुक है। तो अब इसका दूसरा पार्ट है, वो क्या है कि हाँ, पहला पार्ट हमने पढ़ा, दूसरा पार्ट जो है इसका वो है, पहलू में बंद के सब्रो शिकेबे जिगर रही का मतलब है मैं सब्रो शिकेबे जिगर की तरह पहलू में रही। तो इसका तीसरा पार्ट जो है, खसपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा का मतलब है खसपोश झोंपड़ा मेरे लिए आराम में सनम कदा के मानंद होगा। सनम कदा क्या हुआ कि वो मकान, वो मतलब घर जिसमें सनम रखे जाते हैं या बुत रखे जाते है, वो एक इबादत का एक किस्म। तो इसका अलिफ पार्ट है, ये सब तशबीह के मुख्तलिफ तरीके हैं, ये जो सब अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये तशबीह के तौर इस्तेमाल हुए हैं। तशबीह मैं इस तरह समझाता हूँ आपको, एक मिसाल के तौर पर कि रहीम शेर की तरह है, तो रहीम की जो तशबीह है वो शेर के साथ दी गई है, या ऐसे हसीना का चेहरा चांद की मानंद है या चांद की तरह है, तो हसीना के चेहरे की तशबीह जो है उस चांद के साथ दी गई है। तो इस तरह वो अल्फाज जो किसी को, किसी चीज के साथ या किसी किसी जुज के साथ या किसी दरख्त के साथ या किसी जानवर के साथ तशबीह कहते हैं तो उसको तशबीह कहते हैं। तो इस नज़म में से और मिसरे तलाश कीजिए जो तशबीह के इस्तेमाल, जो तशबीह के तौर इस्तेमाल हुए हैं। जैसे एक मिसरा दिया गया है,
दरख्तों की छाल, पैताम्बर समझ के दरख्तों की छाल को, तो दरख्तों की छाल के कब्रे के तौर इस्तेमाल हुआ है, या कब्रे के साथ इसकी तशबीह दी गई है। दूसरा है इसका, पुतली की तरह आंखों में सब शाम व सहर रही, इसका तशबीह किसके साथ दी गई है कि आंखों के सामने रखी गई है। हाँ, सदमे हिज्र के, या सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, इसकी तशबीह किसके साथ दी गई है, वो है मर मिटने के साथ इसकी तशबीह दी गई है। तो इसका बे पार्ट जो है वो है कि जुदाई के लिए, नज़म में जुदाई के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो इसमें है जुदा, छूटा, फिराक, हिज्र, छोड़ जाना वगैरह, ये सब अल्फाज जो हैं ये जुदाई के लिए ही इस्तेमाल हुए हैं। तो इसके अलावा इसका एक और पार्ट है जीम पार्ट। रामचंद्र जी के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें और अपने अल्फाज में बयान करें, तो इसका एक मजमून बनता है, तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये आज का सबक मुकम्मल होता है। तो रहिए खुश, रहिए मेहनत करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम।